हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास एक नेक्रोटेक का 715E2+ इसका मॉडल है। चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिखाते हैं आपको। इसका आप देख सकते हो, ये इसका सर्किट है। इसका देख सकते हो मॉस्फेट सारा बुरी तरह बर्न हुआ है। इसका रेजिस्टेंस भी ख़राब है। इधर का भी हम देख लेते हैं चैनल, ये भी आपका बुरी तरह जला हुआ है, रेजिस्टेंस सारा बर्न हो गया। आप देख सकते हो इसका कैपेसिटर 470 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी आपका फुला हुआ है। सो इसको भी हमको चेंज करना है। चलिए अब हम इसका मॉस्फेट चेंज करके देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें जो मॉस्फेट लगी हुई है P55NF06। सो हम ये मॉस्फेट नहीं लगाएंगे इसमें। हम इसमें आपका देख सकते हो यहाँ पे 7545 का मॉस्फेट निकाल रखा है। काफ़ी भरोसेमंद मॉस्फेट है और मैक्रोटेक यही मॉस्फेट यूज करता है। ये आपका सर्किट चेंज हुआ इस वजह से ये मॉस्फेट लगी हुई है। सो हम इस मॉस्फेट को निकालेंगे और नया मॉस्फेट लगाएंगे। फिर इसका पल्स वोल्ट चेक करेंगे हम मॉस्फेट पे। देख सकते हो हमने इसमें आपका मॉस्फेट लगा लिया 7545 का दोनों साइड में। और हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो जो ओपन हुई थी, जो कि बुरी तरह बर्न हो गया था। सो हम उसमें रेजिस्टेंस डालेंगे। ये आपका 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है, हम इसमें 47 ओम्स का ही रेजिस्टेंस डालेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ से ये जिनर डायोड, जो कि ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि जल गया है लेकिन शॉर्ट भी है। सो इसका नंबर है 4148, इसको भी हमको चेंज करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये 6 रेजिस्टेंस निकाल लिया है। ये आपका 4148 का जिनर डायोड है। तो चलिए हम रेजिस्टेंस को एक एक करके लगा लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें मैं रेजिस्टेंस को लगा लिया है। आप देख सकते हो यहाँ से ये दोनों रेजिस्टेंस, और देख सकते हो ये जो जिनर लगी हुई है इसको भी हमने चेंज किया 4148, और ये आपका 47 ओम्स का रेजिस्टेंस सारा। यहाँ से LM358 की IC जो लगी हुई है, ये IC हमने चेंज कर दिया। चलिए अब हम इसको लगा के देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैंने लगाया लेकिन इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, फिर भी ओवरलोड का प्रॉब्लम आ रहा था। सो इसका पल्स भी नहीं बन रहा था। 5 वोल्ट करते हैं। सो मैं जब चेक किया तो क्या देखा कि यहाँ से एक आप देख सकते हैं यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है BC547 का, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा था। सो हम इसको ओपन किया और चेंज किए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जिनर लगी हुई है, इसका नंबर है 4148। सो ये जिनर भी शॉर्ट था, इसको भी हमने चेंज किया। और इसका गेट पे हम अब देखेंगे ड्राइव बोल्ट बन रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने एक क्लॉक को इसका जो है ग्राउंड नेगेटिव क्लॉक पे लगा दिया है। और इसका गेट पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 वोल्ट के करीब में ये जो पल्स है ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका लोड टेस्टिंग एक बार करेंगे। आप देख सकते हो इसमें एक यहाँ पे एक तार लगा दिया है, जो कि यहाँ पे देखो आप 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। और मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा बल्ब ग्लो कर गया, इन्वर्टर UPS मोड में ऑन हो गया। आप देख सकते हो धन्यवाद दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट 0.7 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।